देखिए हम लोग जो स्टार्ट कर पड़ रहे हैं सरफेस टेंशन निकालने के कौन कौन से मेथड होते हैं, तो तीन मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं, आप प्रीवियस चैनल वीडियो में चेक कर सकते हैं। पहला है कैपिलरी राइज मेथड, ड्रॉप वेट मेथड और ड्रॉप कॉमन। आज हम बात करेंगे विल्बी प्लेट मेथड की। बात करेंगे ये विल्बी प्लेट मेथड क्या कहता है, देखो आपको बात समझिए, एक बात समझिए, आपको पता है कि सरफेस टेंशन क्या है, कोई लिक्विड है उसमें लिक्विड भरा है, तो जो लिक्विड का सरफेस पे है पार्टिकल है वो नीचे की ओर परपेंडिकुलर एक फोर्स लगाता है, दिस इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। और सरफेस टेंशन क्या वही तो है ना, जो नीचे लंबवत बल लगाता है और जितना लगाता है वही सरफेस टेंशन। तो अगर जितना लगाता है यही हमको मालूम चल जाए, जितना लगाता है यही हमको मालूम चल जाए, तो हमको मालूम चल जाएगा कितना फोर्स है। एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल समझो, जैसे एक कोई छोटा बच्चा है, एक गेट है, गेट दो साइड से खुल रहा है उधर बंद हो रहा है, एक छोटा बच्चा पिछले तरफ पीछे तरफ से गेट को कस के ठेला हुआ है, ठीक है, कस के ठेला हुआ है कि गेट खुलने ना पाए। आप दूसरी तरफ से गेट को खोल रहे हैं, मान लो आपने फोर्स ए लगाया तो नहीं खुला, फोर्स बी लगाया तो नहीं खुला, सी लगाया या 5 किलो 10 किलो बढ़ाते गए, और क्योंकि जब जब बच्चे का फोर्स जिधर से उसने ठेला है और इधर से आप खींच रहे हो उसका फोर्स ज्यादा है, आपका फोर्स कम है, तो तब नहीं खुलेगा, लेकिन जैसे ही आपका फोर्स उसके फोर्स को ज्यादा हुआ गेट अपने आप खुल गया, बच्चा कब तक रोक के रखे। उसी तरह से जब कोई सरफेस पे पार्टिकल को नीचे फोर्स लगा रहे, तो विल्बी प्लेट मेथड में क्या होता है कि एक एल्युमिनियम की या प्लेटिनम की प्लेट आती है पतली सी और बहुत हल्की प्लेट, बहुत भारी नहीं, बहुत लाइट वेट की प्लेट आती है, उस प्लेट के ऊपर एक धागा बांध दे पतला सा, आप ये समझिए कि यह हमारा एक प्लेट है और इस प्लेट के ऊपर से धागा बांध के हम इसको ऐसे रख लाए। अब ये धागा बांध के हमने पानी के ऊपरी सरफेस पे इसको रख दिया, जब इस प्लेट को हमने पानी के ऊपरी सरफेस पे रख दिया इसे लिक्विड। अच्छा क्या होता है कि जब लिक्विड ऊपर से नीचे खींच रहा है तो इस प्लेट को भी तो नीचे खींचेगा, क्योंकि प्लेट सरफेस पे रखा है, वेट बहुत कम है, तो अब क्या सरफेस टेंशन नीचे खींचेगा। अब जब नीचे खींचेगा तो ये प्लेट को अपने अंदर खींचने का पूरा प्रयास करेगा ड्यू टू सरफेस टेंशन। अब वही एग्जांपल बच्चे वाला, अब आप इस धागे से ऊपर की ओर बल लगाइए, आप हल्का सा बल लगाएंगे यानी इतना बल लगाएंगे कि सरफेस टेंशन से कम है तो आप उठा नहीं पाएंगे, लेकिन जैसे ही आप धीरे धीरे बल बढ़ाते जाएंगे तो जब आपका बल सरफेस टेंशन के बल से ज्यादा हो जाए तो प्लेट ऊपर उठ जाए। यानी कि अब ऊपर हम क्या करेंगे, यहाँ पे मशीन से रीडिंग लेंगे कि कितना बल लग रहा है, और जैसे जैसे ऊपर खींचेंगे तो ये बल वाला रीडिंग बढ़ता जाएगा, 1 2 3 4 5 6, और जैसे माना कि 6 पे आया तो प्लेट उठ गया, यानी इस पे लगने वाला जो बल था वो 6 N था, न्यूटन प्रति मीटर था या डाइन था या कुछ भी, यानी कि अपोजिट तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि सरफेस टेंशन कितना, क्योंकि जो सरफेस टेंशन ऊपर की ओर लगने वाला बल F और नीचे के बल लगने वाला L cos थीटा, लंबाई के हिसाब से पर L cos थीटा है, तो ये जब बराबर हो जाएगा इसका मतलब वही सरफेस टेंशन, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं गामा इक्वल टू F अपॉन L cos थीटा, फोर्स क्या है जो परपेंडिकुलर जो फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, और L क्या है नीचे जो उसके लेंथ भी लग रहा है cos थीटा के लिए, हमको अगर F पता चल जाएगा, अगर हम इस रीडिंग से हमको F मालूम चल जाएगा, इस फॉर्मूले में रख के गामा हम निकाल सकते हैं, इसमें हमें किसी भी सैंपल से कंपेयर करने की जरूरत नहीं, आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कौन से पानी के ऊपर है ये रखा है, इसको उठाने में जितना फोर्स लग रहा है वही फोर्स जो है सरफेस टेंशन, क्योंकि पानी को उसको नीचे की ओर खींचेगा, हमको ऊपर खींच के अपोजिट डायरेक्शन में इसका फोर्स पता है, वेयर गामा इज इक्वल टू F L cos थीटा, वेयर गामा इज इक्वल टू सरफेस टेंशन, F इज इक्वल टू फोर्स, L इज इक्वल टू लेंथ, ठीक है। cos थीटा एंगल दिख रहा है, पानी का एंगल कैसा बन रहा है उसके हिसाब से बैठ जाएगा, अगर पानी का एंगल फ्लैट है तो L cos थीटा का चिन्ह वन हो जाएगा, ठीक है, cos थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है, ये cos 0 के लिए वन होता है, ठीक है, ये सिंपल सा हमारा विल्बी प्लेट मेथड, देखो इसके बाद ठीक है अगला मेथड पढ़ते हैं हम लोग। पांचवा मेथड है डी नोवी मेथड, डू नोवी मेथड, मरे सारे जाने का नाम रखे हैं सर। और अगला है रिंग डिटैचमेंट मेथड, रिंग मतलब कोई छल्ला है रिंग है, और डिटैच मतलब अलग है, कोई सरफेस चिपका है उसको छुड़ा। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो बताया आज से पहले वाले में कि भाई पानी के ऊपर अगर कोई प्लेट या हल्की चीज रखोगे तो जो अपर लेयर में सरफेस टेंशन है उसको उस प्लेट को भी तो नीचे खींचेगा, तो उस प्लेट में जो नीचे लगने वाला बल है वो भी सरफेस टेंशन है। तो इसमें थोड़ा सा मशीन को एडवांस कर दिया गया, पहले वाला ही पूरा प्रिंसिपल है
मशीन को एडवांस कर दिया गया, स्टैंड लगा दिए, ये पटरी लगा दिए, स्केल लगा दिए, फोर्स लगा दिए, क्रेन लगा दिए, डटर फ्रेम लगा दिए, कुछ भी करके इस लिक्विड का जिसका हमको सरफेस टेंशन करना है हमने इसको भर दिया। अब ये हमारे पास इरिडियम, इरिडियम में मेटल होता है उसका एक लूप है, या इरिडियम का है या प्लेटिनम का है। तो इरिडियम या प्लेटिनम का एक पतला सा लूप लेते हैं, तार लेते हैं, जिसका गोला से या स्क्वायर करके लूप बनाते हैं। उस लूप को जब लिक्विड के सरफेस पर टच करेंगे तो वो सरफेस लिक्विड इसको नीचे खींचेगा ड्यू टू सरफेस टेंशन। अब खींचेगा, अब यहां से स्केल्स को इसे इसे घुमा के हम इस रिंग को ऊपर उठाएंगे, क्योंकि ये लिक्विड पकड़ चुका है सरफेस टेंशन से, उसको नीचे खींच रहा है। अब इसको ऊपर खींचने में जितना बल लगा वही तो सरफेस टेंशन जो इससे पहले बताया था, सेम प्रिंसिपल है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो स्केल लगा हुआ है वर्नियर कैलिपर्स में तुरंत मेजर कर लेगा कि कितना एफ आया, जो एफ आया उस एफ को रखेंगे इस फॉर्मूले में, गामा स्क्वायर टू एफ पॉइंट टू पाई आर होता है। तो आर क्या है यहाँ पे, आर वन प्लस आर टू क्यू है, क्योंकि रेडियस जो है इसका आउटर सरफेस का अलग होगा और इनर सरफेस का अलग, दोनों को हम जोड़ के इसका रेडियस निकालेंगे। तो इस मेथड से आसानी से डीनोमी मेथड से हम पता कर सकते हैं कि सरफेस टेंशन क्या होगा। अगर हम यहाँ पे बात करें वेयर गामा स्क्वायर टू आपको पता है सरफेस टेंशन, एफ पता है फोर्स, फोर्स को यहां से मालूम चलेगा, और आर वन आपको पता है रेडियस ऑफ आउटर सरफेस, ऑफ आउटर सरफेस जो हमारा ये रिंग है उसके आउटर सरफेस का रेडियस है, और आर टू क्या है रेडियस ऑफ इनर सरफेस। इस मेथड से इस हमको यहां से एफ निकलेगा, और इस एफ की वैल्यू हम पुट करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, ऑटोमेटिक क्या निकल जाएगा सरफेस टेंशन। ये थे सरफेस टेंशन निकालने के हमारे पांचों मेथड, काम खत्म, लिख लीजिएगा।